वेलकम टू लीली आर्टिस्ट फैब्रिक वर्क्स। मैं आपको बहुत ही डिफरेंट चीज़ बताने वाली हूँ, जो कि है कि अगर आप इंग्लिश के जो लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट, उसके साथ फ्लोरल डिज़ाइन मिक्स करके कैसे पेंट कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी बहुत ही आसानी से फैब्रिक पेंटिंग सीख सकें। आज मैं कर रही हूँ लेटर ए की पेंटिंग, और इसी तरीके से ये सीरीज़ चलेगी। फिर मैं आपको बी शो करूँगी। इसमें क्या है कि अगर आप किसी भी चीज़ को पेंट कर रहे हैं और आप इनिशियल्स, अपने नाम का इनिशियल भी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। मैं हर लेटर का आपको डिज़ाइन बता दूँगी, या तो फिर आप अगर मिला के कुछ लिखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं एक एक लेटर को एक बार में आपको पेंट करके दिखाऊँगी। उससे क्या होता है, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी और आप इसको अपने प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली जिन लोगों का कॉलेज में कंपटीशन है उनके लिए है, और आप लोग भी इसको बहुत ही आराम से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपका अगर नेम है, ए से आपका नेम है, और आप अपने पिलो कवर पे या बेडशीट पे डालना चाहते हैं, या आपका किसी भी लेटर से नेम है, तो उसको मैं आपको उस लेटर को लिख के और उसके साथ आप कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं वो करके बता दूंगी। तो फिर आप उसको बहुत ही ईजिली पेंट कर सकते हैं ड्रॉ करके। सबसे पहले मैंने शुरू किया है लीफ को पेंट करना, और अभी मैं जो ब्रश यूज़ कर रही हूँ उसको राउंड ब्रश बोलते हैं। तो अगर आपको परचेस करना है तो आप राउंड ब्रश बोल के मार्केट से परचेस कर सकते हैं। अगर आपको फैब्रिक पेंटिंग का मटेरियल नहीं पता है कि कौन कौन सा मटेरियल आपको रिक्वायर्ड है पेंटिंग के लिए, या आप फ्रेम में कंफ्यूज़ हैं, ब्रश में कंफ्यूज़ हैं, तो उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना दी है। उसका लिंक अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, या आप सिंपली चैनल पर विज़िट करें। बेडशीट के नीचे वाली जो वीडियो है वही है, आपको थंबनेल पे दिख जाएगा, फ्रेम वगैरह लगा हुआ है, तो आप उसको कंप्लीट वॉच कर लेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि कौन सी वीडियो है जिसमें मटेरियल मैंने दिखाया है। इससे पहले भी मैंने बहुत ही खूबसूरत बेडशीट की डिज़ाइन डाली है, और अगर आप चैनल पर नए हैं, आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप वो बेडशीट ज़रूर देखें, जो कि मेरी बहुत बहुत फेवरेट है, और मैंने उसको अभी रिसेंटली ही डाला है, तो उसको आप ज़रूर देखिए और फीडबैक भी मुझे दीजिएगा। मैं आपको डिफरेंट लेटर के साथ डिफरेंट डिज़ाइन दिखाऊंगी, तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और बाद में अगर आपको जैसे अच्छा लगेगा आप वो एडजस्ट कर सकते हैं। अभी तो ये सीरीज़ की स्टार्टिंग है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस सीरीज़ में, मैं आपको और चीज़ें एक्सप्लेन करती जाऊँगी, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी बात, अगर आपको मेरी पेंटिंग पसंद है या आप अभी इसको देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक काउंट से मुझे मोटिवेशन होता है, क्योंकि मुझे पता चलता है कि कितने लोगों को ये पसंद आई। आप मेरी ये सारी पेंटिंग की वीडियोस उनके साथ ज़रूर शेयर करिए जिनको पेंटिंग में इंटरेस्ट है, जिनको पेंटिंग पसंद है, ताकि वो भी बहुत ही आराम से डिज़ाइन को सीख सके देख के, क्योंकि अगर आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है वो आप जल्दी सीख पाते हैं। और शेयर करने से आप मुझे भी सपोर्ट करें, तो शेयरिंग इज़ बेस्ट वे टू सपोर्ट मी। यू कैन कमेंट ऑन, लाइक ऑन, सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं पेंट कर रही हूँ, ये स्मॉल स्मॉल लीव्स हैं जो डिज़ाइन में मैंने डाली है। आप देख रहे हैं कि ब्रश का मूवमेंट मैं बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं मैंने रखा है, और डिज़ाइन अगर आपने मेरी वीडियोज़ वॉच की होगी तो मैं थोड़ा सा इससे फास्ट पेंट करती हूँ। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रही हूँ कि जब हम छोटी पिटल या छोटी लीफ को पेंट करते हैं तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है हैंडलिंग की, कि क्योंकि अगर आपने एक बार में ज़्यादा सा कलर लगा दिया तो वो एक इवन आपको दिखने लगेगा। अगर मैंने डार्क कलर सारा लगा दिया, फिर मैं उसको ठीक करूँगी, मैं उसको थोड़ा करेक्ट करूँगी, करेक्शन डालूँगी, उसमें लाइट कलर डालूँगी, लेकिन वो चीज़ नहीं आ पाती है। इसलिए मैं आपको बहुत ही आराम से करके बता रही हूँ। आपको बहुत ही पेशेंस के साथ एक एक लीफ को देखिए, ये लीफ बहुत ही छोटी है लेकिन इसका शेड बहुत मैटर करता है। ओवरऑल जब आप लुक देखेंगे डिज़ाइन का, तो उसमें क्या डिफरेंस होता है, जो अपनी डिज़ाइन को बहुत ही आराम से शेड को सही पेंट करते हैं उनके डिज़ाइन में, और अगर आप जल्दी जल्दी कुछ भी ऐसा पेंट कर देंगे बस कंप्लीट करने के लिए, उस डिज़ाइन में बहुत फ़र्क आ जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको शेड सारी ही लीव में आपको एकदम परफेक्ट रखना है, चाहे वो छोटी लीव हो या बड़ी लीव हो। तो इसी तरीके से हम करेंगे। अब मैं आपको फास्ट करके दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है जो मैं आपको बताना चाह रही थी।
अब जल्दी से कर लेते हैं। देखिए मैं आपको ब्रश शो कर दे रही हूँ, ध्यान से देख लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अभी देखिए मैंने यहाँ पे लीफ ड्रॉ की है। इस छोटे छोटे एलिमेंट से क्या होता है कि आपकी डिज़ाइन बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये कुछ चीज़ें अगर आप मिस कर देंगे तो वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी जितनी अब लग रही है। अब मैं जब इसको पेंट करने लगी तो मुझे ऐसा माइंड में आ रहा था कि इस डिज़ाइन में हम कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए अभी मैं आपको आगे वीडियो में डायरेक्टली पेंट करके बता दूंगी कि मैंने इसमें क्या चेंजेस किए हैं। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करें तभी आपको समझ आएगा। अब जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक छोटी सी डिज़ाइन है, तो मैं आपको एक और तरीका बता रही हूँ लीफ को पेंट करने का। क्योंकि ये छोटी डिज़ाइन है तो हम जल्दी से इसको पेंट कर सकते हैं। पूरा डार्क कलर मैंने फिल कर दिया है। अगर आपको आदत है फ्लैट से करने की या फिल करके करने की, तो आपको या जल्दी आपको पेंट करना है उसके लिए है। देखिए सबसे पहले सारी लीफ को इवनली फिल कर देंगे, लेकिन वो सूखने ना पाए, ड्राई नहीं करना है हमें, बस जल्दी से फिल कर देंगे। उसके बाद हम वाइट कलर लेंगे और या तो आप जो भी कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं उसके साथ इसको शेड कर देंगे। अब मैं आपको फ्लावर पेंट करके बता रही हूँ, क्योंकि हमारी सारी लीव हो गई है कंप्लीट। अब देखिए फ्लावर में क्या है कि मैं कॉम्बिनेशन कौन सा यूज़ कर रही हूँ, तो मैं इसमें जा रही हूँ यूज़ करने वाइट, और उसके बाद मैं डार्क कलर में लूँगी पर्पल कलर। अब पर्पल कलर दोनों को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, वाइट के साथ तो अच्छा ही लगता ही है, और जो हमारा फैब्रिक का कलर है उसके साथ भी अच्छा लगेगा ये कॉम्बिनेशन। मैंने आपको एक बार ग्रीन फैब्रिक पर भी बताया है पर्पल रोज़, तो आप उसको ज़रूर देखें। अगर आपको डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन चाहिए, आप एक ही जैसा कलर नहीं लगाना चाहते, तो ये सारे कॉम्बिनेशन यूज़ करिए, आपकी पेंटिंग बहुत ही स्टनिंग लगेगी। पेटल्स को देखिए मैं शेड कैसे कर रही हूँ। मैंने ऊपर लाइट रखा है और नीचे की तरफ से मैंने पर्पल डार्क शेड के तौर पर इस्तेमाल किया है। फिर उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे या ब्लेंड कर लेंगे, जो भी आप बोलना चाहें उससे। अब देख रहे हैं हमने कॉर्नर्स में पर्पल कलर लगाए हैं डार्क, और ऊपर हमने पहले से वाइट रखा था। अच्छे से मिक्स करेंगे, इवनली मिक्स हो जाना चाहिए, वहाँ पे ऐसा दिखना नहीं चाहिए, आपका पैचेस नहीं बनने चाहिए, बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है, मिक्सिंग पे ध्यान देंगे। आज जो मैं आपको फ्लावर पेंट करके बता रही हूँ उसकी लीव्स बहुत ही छोटी और डेंस फ्लावर है। इसमें ऐसा दिखाना है कि बहुत ज़्यादा सी पिटल्स हैं, तो इसको हम वन बाय वन बहुत ही आराम से पेंट करेंगे। इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, मैं आगे के वीडियो आपको फास्ट पे दिखाऊंगी ताकि आपको बोर ना हो जाए। पहले मैंने आपको टेक्निक एक्सप्लेन कर दी, कलर बता दिया, ब्रश बता दिया, आपको ब्रश मैंने शो भी कर दिया है, तो अगर आपने मिस कर दिया तो आप पहले वीडियो करके देख सकते हैं। शेड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और अभी मैं आपको बहुत ही आराम आराम से दिखा रही हूँ। आगे मैं थोड़ा सा आपको फास्ट पे दिखाऊंगी ताकि आपका टाइम भी बच जाए, ये लेंथी हो जाएगा वीडियो।
अब देखिए हम फ्लावर का जो बीच का पार्ट बना रहे हैं ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आपको ध्यान से एक बात पे ध्यान देना है कि पहले डार्क कलर लगा लेना है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको लाइट कहाँ पे यूज़ करना है, और लाइट कलर ऊपर रखना है इसलिए भी हम डार्क कलर को पहले लगाएंगे। और ध्यान से देखिए ये चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो देख के खुद से ज़्यादा अच्छे से समझ आती हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आई होप कि आपको समझ आए, लेकिन अगर आपको कंफ्यूजिंग हो रहा है तो आप एक दो बार और देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा। तो देखिए हमारा फर्स्ट वाला फ्लावर जो है वो पेंट होके रेडी है, वो देखने में कितना ही ब्यूटीफुल लग रहा है। अगर आप स्टेप्स सारे फॉलो करेंगे तो आपका भी ऐसे ही बनेगा, बहुत ही ब्यूटीफुल। अब हम सेकंड कर रहे हैं, सेकंड फ्लावर मैंने थोड़ा डिफरेंट ड्रॉ किया है, लेकिन हम जो कलर यूज़ करें कलर सेम ही यूज़ करेंगे, मुझे ऐसा इसमें मल्टी कलर यूज़ नहीं करना था तो मैं ऐसे यूज़ कर रही हूँ। फिर मैं आगे के अल्फ़ाबेट में डिफरेंट डिफरेंट आपको कलर्स बताऊंगी, थोड़ा डिफरेंट और हट के, ताकि आपको एक ही जैसा ना लगे। तो अभी हम ये कलर यूज़ करें क्योंकि ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा था और बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने सेम ही कलर यूज़ किया। उसमें भी हम जो शेडिंग की टेक्निक है सेम यूज़ कर रहे हैं, पहले मैं वाइट फिल कर ले रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी हमारा पेंट हो जाए।
हमारी डिज़ाइन पेंट होके बिल्कुल रेडी है। इसमें मैं फाइनल टचअप्स दे रही हूँ, जहाँ जहाँ मुझे लग रहे हैं कि शेड्स कम हैं तो वहाँ पे मैं थोड़ा और डार्क कलर डाल रही हूँ, या अगर आपको जहाँ पे लग रहा है कि ज़्यादा लाइट हो गया है या कम लाइट है तो आप वाइट से भी कर सकते हैं, इसको हम फाइनल टचअप बोलते हैं। ये करने के बाद अब मैं आपको बताऊँगी कि अल्फ़ाबेट को कैसे पेंट करना है। हमारी जितनी भी डिज़ाइन पहले से ड्रॉ करके रखे थे वो सारी पेंट हो गई है, अब हमें करना है अल्फ़ाबेट को पेंट। तो सबसे पहले मैंने ब्राउन कलर लिया है और ब्राउन कलर से मैं उसको कर रही हूँ आउटलाइन, जैसे हमने पहले ही ड्रॉ करके रखा है उसी तरीके से उसको बहुत ही फिनिशिंग के साथ उसको हम ड्रॉ करेंगे। बिल्कुल भी ऐसा ख़राब नहीं होना चाहिए उसका शेप, शेप जैसा है बिल्कुल वैसा बनना चाहिए। उसके लिए आपको थोड़ा फ्लो चाहिए, आप प्रैक्टिस करके फिर बनाएंगे। देखिए इस तरीके से, अगर आपका हाथ उतना सेट नहीं है तो आप आराम आराम से बनाइएगा, बन जाएगा। ज़्यादा पैनिक नहीं करना, परेशान नहीं होना, बहुत ही आराम और कॉन्फिडेंस के साथ बनाना है, बनेगा ज़रूर। इसी तरीके से धीरे धीरे हम पेंट करते जाएंगे अपने अल्फ़ाबेट के शेप को, और देखिए जैसे जैसे मैं उसको आउटलाइन करते जा रही हूँ हमारी डिज़ाइन और भी अच्छी लगने लगी है, क्योंकि वो सारा शेप जो है वो डिफ़ाइन होके दिख रहा है।
आउटलाइन करने के बाद मैं लीव में हल्की हल्की नस डाल रही हूँ, एक या दो डालेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, डेंस उसको नहीं करना है। अब देखिए कहीं कहीं पे उसकी जॉइनिंग वाली लाइन भी छूट गई है नीचे, तो उसको हम जॉइन करेंगे और ऊपर हल्की सी एक लाइन डाल देंगे। उससे क्या होता है वो और डिफाइन हो जाता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए हम उसमें ये डार्क सैप ग्रीन कलर से कर सकते हैं, या आपके पास ग्रीन कलर उसमें बहुत ही पिंच ऑफ ब्लैक मिला सकते हैं आप। और ये हमारी डिज़ाइन बिल्कुल रेडी। मैं इसको अंदर कुछ भी फिल नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत ही क्लीन लुक आ रहा है इसका। और अगर हम इसमें अंदर पेंट कर देंगे तो ये जो डिज़ाइन की खूबसूरती है वो कम हो जाएगी, क्योंकि अंदर और बाहर सब एक जैसा मिल जाएगा। इसलिए मैं हम बस कर रहे हैं इसको आउटलाइन, और डिज़ाइन तो हमारी बहुत ही प्यारी पहले से है। ये हमारा फाइनल लुक। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में जिसको पेंटिंग में इंटरेस्ट है उसके साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये वीडियोज़ उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। तो आज मैंने आपको बताया है कि आप ए लेटर को फ्लावर के साथ डिज़ाइन के साथ अटैच्ड करके कैसे पेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बी। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप ये सारी वीडियोस भी देख सकते हैं जो आपको दिख रही है अभी आपके स्क्रीन पे, ये भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। टेक केयर। इको फ्लावर के डिज़ाइन के साथ पेंट कैसे कर सकते हैं मैंने आपको ए ऑलरेडी बता दिया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें, आपको बहुत पसंद आएगी। अब हम करेंगे आज बी को पेंट। सबसे पहले मैंने आपको कलर शो कर दिया है शुरू में ही। सबसे पहले मैं आप बी को आउटलाइन कर ले रही हूँ ताकि आपको बहुत ही क्लियरली समझ आए, क्योंकि जब बाउंड्रीज दिखती हैं तो पेंट करने में और आसानी होती है और आपको समझ बहुत अच्छे से आएगा। देखिए मैं आपको बता रही हूँ लेटर्स को पेंट करना। अगर आप ये वीडियो बहुत टाइम के बाद देख रहे हैं तो आपको परेशान नहीं होना, आप प्लेलिस्ट से देख लें। सारी वीडियोस मैं एक जगह प्लेलिस्ट में डाल दूंगी ताकि आपको बाद में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। आप जो लेटर चाहें प्लेलिस्ट सर्च करें, ओपन करें और वहाँ से आप देख सकते हैं। मैं आपको वन बाय वन बताऊँगी कि आप कैसे लेटर्स के साथ डिज़ाइन को डाल के बहुत ही अच्छे से पेंट कर सकते हैं। इसको आप बेडशीट, पिलो कवर पे अगर अपने नाम का इनिशियल डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, या आप कुछ लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा और स्पेशली जो कॉलेज कंपटीशन वगैरह होते हैं उसमें भी आपकी बहुत हेल्प करेगा। अभी कुछ बच्चों का फैब्रिक पेंटिंग का कॉम्पिटिशन है तो उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही हम आराम आराम से आप देखेंगे बहुत ही फिनिशिंग के साथ आउटलाइन करेंगे। जो हमारी लेटर की आउटलाइन है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होनी चाहिए। आउटलाइन करने के बाद मैं आपको पेंटिंग करने का तरीका बताऊंगी। इससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जिनको पेंटिंग में इंटरेस्ट है, जिनको पेंटिंग पसंद है, उनके साथ ज़रूर शेयर करें। अभी ये देखिए ये बहुत ही हल्की हल्की सी आउटलाइन मैं यहाँ पर कर रही हूँ, इसमें आपको ध्यान देना है ये अक्सर छूट जाती है, तो अगर आप इसको छोड़ देंगे तो आपका जो शेप है वो बहुत डिफाइंड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। तो मैं आपसे कह रही थी कि अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में कोई भी ऐसे मेंबर्स हैं जिनको पेंटिंग बहुत पसंद है या पेंटिंग में इंटरेस्ट है, वो पेंटिंग सीखना चाहते हैं, तो उनके साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी घर पे बहुत ही आसानी से फैब्रिक पेंटिंग सीख सकें। चलिए हम सबसे पहले ग्रीन वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे पेंट करना। तो उसके लिए मैंने आपको पहले कलर दिखाया है ग्रीन वाला, वो यूज़ कर रहे हैं। सैप ग्रीन यूज़ करेंगे, लाइट ग्रीन और वाइट। बहुत ही आराम आराम से पेंट करेंगे। इसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट मैंने लीव ड्रॉ की है और मैं आपको उसका प्रोसीजर बताऊंगी। ये सारी जो लीव मैंने पहले इसलिए कर दी क्योंकि मैंने आपको हर वीडियोस में इसका एक्सप्लेनेशन बताया है, तो आई होप कि आपको आता होगा ये पेंट करना, तो इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया है। मैं न्यू जो लीव है उसकी आपको ट्यूटोरियल एक्सप्लेन करूँगी इस वीडियो में। ब्रश मैं राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ, अभी आगे मैं आपको ब्रश दिखा भी दूंगी तो आपको नंबर्स दिख जाएंगे बहुत ही आराम से। उसके लिए आपको कंप्लीट वीडियो वॉच करना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप फैब्रिक पेंटिंग में बिगनर्स हैं, आपको कुछ भी पता नहीं है कि कौन से मटेरियल को परचेज़ करना है या शेड कैसे करते हैं, तो उसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है बिगनर्स कोर्स। उसमें आपको सारे शेड्स और पेंटिंग करने का तरीका, फैब्रिक को कैसे वॉश करना, आयरन करना है, ये सब देखने को मिल जाएगा।
फैब्रिक पेंटिंग के लिए आपको कौन कौन से मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है उसकी भी मैंने वीडियो बना दी है, उसकी भी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी मटेरियल रिक्वायर्ड या ऐसे कोई नाम से, जो आप इजीली उसको प्लेलिस्ट सेक्शन से देख सकते हैं। और उसमें मैंने एक और वीडियो भी बना दी है कि फ्लैट ब्रश ज़्यादा अच्छा है या राउंड ब्रश, तो ये सारी क्वेरीज़ अगर आपकी हैं तो आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। मैं आपको लेटर्स पेंट करना बता रही हूँ, ये आप अपने फैब्रिक पे भी बना सकते हैं और वॉल हैंगिंग वगैरह पे बना सकते हैं, या आप किसी चीज़ को लिखना चाहते हैं तो सारे को ज्वाइन करके भी लिख सकते हैं। अगर आपका नाम जिस लेटर से है आप वो वाले लेटर की वीडियो देख के अपने बेडशीट पे उसका इनिशियल भी डाल सकते हैं, जैसे कि पिलो कवर पे साइड पे अगर आप डालना चाहते हैं, या आपने कोई डिज़ाइन बेडशीट पे बनाई है और बीच में अगर आप अपने नाम का इनिशियल डालना चाहते हैं, स्टार्टिंग का जो नाम होता है हमारा, जैसे कि यहाँ पे लिली आर्टिस्ट नाम है मेरे चैनल का, तो मैं अगर एल बनाना चाहूँ तो वो मैं अपने बेडशीट पे बना सकती हूँ। तो आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो आपका नाम जिस भी लेटर से आप वहाँ से बना सकते हैं। अब ये जो मैं लीफ पेंट कर रही हूँ ये मैंने ऊपर वाली और नीचे दोनों ज्वाइन करके बनाई है, क्योंकि हमें एक फ्लोई सा लुक चाहिए था जो लेटर के साथ मैच भी करे, डिज़ाइन अच्छे से अरेंज लगे। और शेड मैं कर रही हूँ तीन कलर के ग्रीन से, पहला आप देख रहे होंगे कि मैंने सैप ग्रीन यूज़ किया डार्क वाला जो कैमलिन में आपको मिल जाएगा, और उसके बाद लीव ग्रीन है और वाइट। आप देख रहे हैं तीनों का कॉम्बिनेशन किस तरीके से मैंने यूज़ किया, ऊपर भी सैप ग्रीन है जो कि डार्क है, बीच में लीव ग्रीन का शेड है, फिर मैंने वाइट रखा है और फिर नीचे डार्क ग्रीन वाला शेड। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे और बनाएंगे तो आपका भी इसी तरीके से बहुत ही खूबसूरत बनेगा। अब ये लीव जो आप देख रहे हैं मैंने अंदर पूरा डार्क लगाया है, क्यों? क्योंकि ये लीव मैंने मुड़ी हुई बनाई है, जैसे कि मैंने आपको रोज़ वाली वीडियो में बताया था बिगनर्स क्लास में कि आपको मुड़ी हुई लीव कैसे बनाना है। तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि आपको वो मुड़ा वाला पार्ट आप लाइट जब बनाएंगे तभी वो मुड़ा दिखेगा। कुछ चीज़ें जो होती है वो अगर आप ध्यान में रखेंगे तभी आपकी डिज़ाइन बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती हैं। और अगर आपकी स्पीड, आप स्पीड में नहीं जाएंगे, किसी ने मुझसे पूछा था कि स्पीड का नहीं हो पा रहा, स्पीड प्रैक्टिस से आती है, आप करते जाएंगे आपका धीरे धीरे जैसे जैसे हाथ सेट होगा तो स्पीड आ जाएगी। शुरू में आपको ध्यान रखना है किस बात पे, आपका शेड सही आना चाहिए, क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा स्पीड से कर दिया पेंट और आपका शेड ही अच्छा नहीं आया तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप शुरू से शेड पे ध्यान देंगे, आराम से करेंगे, नीट एंड क्लीन करना है, आपकी पेंटिंग में बिल्कुल भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, बाहर कलर नहीं लगना चाहिए, ये सारी बातों का ध्यान रखेंगे। पानी जो हम रखेंगे ब्रश को वॉश करने के लिए दूर रखेंगे, क्योंकि किसी ने कहा था शायद हाथ लग के फैब्रिक पे गिर गया, और अगर आपने उसमें पहले से कलर वॉश किया हुआ है तो वो स्टेन हो जाएगा आपके फैब्रिक पे, वो एक लाइट सा अगर आपका वाइट फैब्रिक है तो वो ख़राब होने के बहुत ही चांसेस हैं। तो आप एक कंटेनर यूज़ करिए, जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी उसमें पर्पल कलर का दिखाया था कंटेनर, वो आप ऐसा कंटेनर यूज़ करिए जिसके ऊपर से लिड हो, जिसका कैप हो, ताकि आप जब भी उठें पेंटिंग करके अगर आपको कोई काम है या आपको कहीं जाना है तो आप वो कंटेनर बंद कर देंगे तो पानी गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप पेंट कर रहे हैं और पेंट करते वक्त पानी आपका गिर गया आप कैसे वॉश करेंगे, क्योंकि आपका तो पेंटिंग जो है आपकी वो खुद ही अभी ड्राई नहीं हुई है, तो इस कंडीशन में आप बहुत बुरी तरह फंस सकते हैं। तो उससे क्या करना है, आपको पहले ही से ही इन बातों का ध्यान रखना है, सेफ़ जगह पे बैठना है, ताकि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हों तो उन ऐसा कोई चांस ना हो कि वो आप पानी गिरा दें और आपकी पेंटिंग ख़राब हो जाए। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, स्पेशली मैंने आपको कंटेनर यूज़ करने के लिए पानी के लिए बोला है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप लीड लगा के उठेंगे तो पानी नहीं गिरेगा। ठीक है, ये जो मैं लीफ पेंट कर रही हूँ, अगर आपको इस तरीके से डिफ़िकल्ट लग रही है तो आप इस शेप में करके छोटी छोटी सी लीफ एक दूसरे के ऊपर बना देंगे, जैसे हम मेहंदी डिज़ाइन में बनाते हैं उस तरीके से, क्योंकि अभी आप देखेंगे जब मैं पेंट कर लूँगी मुझे पता है तो वो उसी तरीके से दिखेगी। मैंने इसलिए कर लिया क्योंकि मेरा हाथ सेट है, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है शेड में तो आप उस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, मैंने एक साथ मैंने आउटर लेयर उसकी ड्रॉ कर ली है और मुझे पता है कि ऐसे मैं अभी शेड जब डार्क लगा दूंगी तो उस तरीके से दिखेगा। देखिए इस तरीके से, अगर आपको करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक के ऊपर एक पहले ड्रॉ कर लेंगे और फिर उस तरीके से अलग अलग उसको पेंट कर लेंगे। जैसे कि अगर आपको मेहंदी लगाने आती होगी तो आपको पता होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। इसी तरीके से वन बाय वन हम सारी अपनी लीफ को पेंट करते जाएंगे।
देखिए अभी तो बस ग्रीन पार्ट हुआ है और मैंने बी तो पहले ही आउटलाइन कर दी थी ताकि आप लोग को अच्छे से विजिबल हो, और इतने में ही ये बहुत ही प्यारा दिखने लगा था क्योंकि आप जो ग्रीन पार्ट की वजह से वो सारा जो लेटर है हमारा वो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि वाओ बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। अब एक साथ वो दिख नहीं पाता है तो आप लोगों को उतना अच्छा कैमरे में समझ नहीं आता है, लेकिन रियलिटी में मुझे तो पूरा दिख रहा है तो वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आई होप कि आपको इसका कम्प्लीट लुक बहुत ही पसंद आने वाला है। तो चलिए अब देखिए ये लीव जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर आपसे वैसे नहीं बने तो आप छोटी छोटी बना लेंगे, देखिए इस तरीके से आ गया ना वो शेड करके। हाँ तो अगर आप ऐसे करेंगे कि मैंने शुरू में आपको डिज़ाइन भी शो कर दिया ड्रॉ की हुई, तो आप वहाँ से देख के बना सकते हैं, और स्टेप बाय स्टेप वीडियो देख के अगर आप पेंट करेंगे तो आपका सेम बन जाएगा। अगर आप कोई भी डिज़ाइन पेंट करते हैं या लेटर बी ए जो भी मैं आपको बता रही हूँ या पहले से शेयर की हुई कोई भी डिज़ाइन, तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। इंस्टाग्राम या फेसबुक पे आप शेयर कर सकते हैं, लीली आर्टिस्ट 9 के नाम से है इंस्टाग्राम पे, और लीली आर्टिस्ट फैब्रिक वर्क्स ये है फेसबुक पे अवेलेबल। तो अगर आप मेरे साथ शेयर करेंगे तो आपका वर्क एज अ सब्सक्राइबर वर्क मैं स्टोरी हाइलाइट्स और यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पर शेयर करती हूँ। अगर आप भी चाहते हैं मेरे सब्सक्राइबर का वर्क देखना तो आप कम्युनिटी पोस्ट को विज़िट करके देख सकते हैं। हाँ मैंने अपने बहुत ही टैलेंटेड सब्सक्राइबर का वर्क शेयर किया है जिन्होंने वीडियो देख के अपनी पेंटिंग की है और मेरे साथ शेयर किया है। अगर आपकी कोई मेजर मिस्टेक होती है तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, और सारी चीज़ें तो आप वीडियो देख के ही समझ सकते हैं। अब देखिए हमारा ग्रीन पार्ट कंप्लीट हो चुका है, मैं नट्स डाल रही हूँ इसमें। ये देखिए लुक इसका बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब हम फ्लावर पेंट करना स्टार्ट करेंगे। कलर मैंने शो किया है बहुत ही ध्यान से देख लीजिए, और स्टेप बाय स्टेप हम फ्लावर को पेंट करेंगे। पिटल्स छोटी हैं लेकिन शेडिंग हमारी वही होगी, बहुत ही आराम और पेशेंस के साथ सही शेडिंग करेंगे ताकि ओवरऑल लुक बहुत ही ब्यूटीफुल आए। फ्लावर को पेंट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पिंक और वाइट कलर, जैसे कि मैंने आपको पहले ही शो कर दिया है। और शेड हम किस तरीके से कर रहे हैं, ऊपर रखा है मैंने लाइट और नीचे की तरफ डार्क। बाद में जो हमारी ये वाली पिटल है मैं आपको स्पेशली दिखा रही हूँ, इसमें हम अंदर की तरफ डार्क रखेंगे और बाहर की तरफ लाइट। ये बात आप ध्यान रखिएगा, नीचे वाली पिटल में नीचे की तरफ हम लाइट रखेंगे, ऊपर वाली पिटल में ऊपर के साइड मैंने लाइट रखा था, ठीक है। अब हम जल्दी जल्दी से पेंट कर लेते हैं ताकि इसका देख सकें कि फाइनल लुक कैसा आ रहा है। लीफ पेंट करने के बाद मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि कैसा लग रहा है, क्योंकि इसके डिज़ाइन भी बहुत ही ज़बरदस्त थी। इसका जो अरेंजमेंट था और फ्लावर सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। तो अब देखते हैं पेंट होने के बाद रिज़ल्ट क्या आते हैं। आई होप कि आपको बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर कर दें। शेयर करना सबसे अच्छा तरीका है मुझे सपोर्ट करने के लिए। सो लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब। अगर आपको पता नहीं हो तो मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ कि मैंने ए की वीडियो पहले ही शेयर कर दी है उसको कैसे पेंट करना है, और मैं अब बी की वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें आपको एक साथ प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगी। आपको चैनल विज़िट करना है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे वहाँ पे आपको मिल जाएगी, मैं सब एक साथ कर दूँगी। और दूसरी बात ये है कि आपको यहाँ पे बिल्कुल ही फ्री में बिगनर्स कोर्स की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से अगर आप शेडिंग में न्यू हैं या फैब्रिक पेंटिंग में न्यू हैं तो आप देख सकते हैं। और भी सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, आपको बस करना है चैनल को विज़िट, वहाँ से जैसे भी वीडियोस आपको देखनी है जो आपके लिए सुटेबल है आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको हर तरीके के फ्लावर्स, सूट, बेडशीट, पर्स, हर चीज़ के वीडियो, और मैंने ज़्यादातर आपको रोज़ हर तरीके का रोज़ बताया है पेंट करके, ईजी से लेकर एडवांस तक। डेफोडिल, हिबिस्कस, पैंजी, पियोनी, सनफ्लावर एंड मेनी मोर। तो आपको जो भी फ्लावर की पेंटिंग देखनी है, कैला लिली एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आपको बस करना है चैनल विज़िट और वहाँ से आप देख सकते हैं आपको जो भी डिज़ाइन पसंद है। और कलर कॉम्बिनेशन भी मैंने बहुत ही डिफरेंट रखा है, डिज़ाइन बहुत ही यूनिक है। अगर आप कुछ डिफरेंट बनाना चाहते हैं तो आप ज़रूर ही चैनल को एक बार विज़िट करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई ऐसा फ्लावर पेंट करूं जो अभी तक मैंने पेंट नहीं किया है, आपको बहुत पसंद है या आपको बनाना है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं ज़रूर पेंट करके आपको बता दूंगी। अभी रिसेंटली मैंने बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल अमेजिंग बेडशीट डिज़ाइन पेंट की है, वो आई डोंट थिंक कि आपने वैसी डिज़ाइन अभी कहीं देखी होगी। तो अगर आपने नहीं देखी, आपने मिस कर दी, तो आप ज़रूर जाएँ उसको वॉच ज़रूर करें,
बहुत ही प्यारी डिज़ाइन है जिसको मैं शेयर नहीं करने वाली थी, वो मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बनाया था। उसकी डिज़ाइन मैंने 1 ईयर अगो इस चैनल पे आपको जब ट्रेस करना बता रही थी तो मैंने डिज़ाइन तो आपको बहुत ही पहले बता दी थी, लेकिन पेंट करके मैंने अब दिखाया है क्योंकि सब्सक्राइबर मेरे बहुत ही अच्छा पेंट करने लगे हैं बिगनर्स कोर्स के बाद, जो मैंने बिगनर्स वाली वीडियोस डाली हैं उसके बाद, जो आप लोग अपना वर्क शेयर कर रहे हैं मेरे साथ इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे, तो सारे वर्क्स तो मैं यहाँ शेयर नहीं करती हूँ, कुछ इसलिए क्योंकि आप लोग के सूट्स और बेडशीट्स होते हैं वो बिल्कुल ही न्यू होता है, तो मैं नहीं चाहती कि मैं शेयर करके आपका पुराना कर दूँ। हाँ, कुछ वर्क्स जो होते हैं वो मैं यहाँ शेयर करती हूँ, तो आप लोग जब इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना ज़्यादा अच्छा बना रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया आप लोग के सपोर्ट को देखते हुए, क्योंकि आप लोग बहुत ही सीरियसली सीख रहे हैं और बहुत ही अच्छा पेंट कर रहे हैं वीडियोस देख के, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। आप उसको देखें और ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। वो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट और आप एक तरीके से कह सकते हैं हार्डवर्क के साथ बनी हुई बेडशीट है, क्योंकि मैंने थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के उसको बनाया है और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी टर्न आउट हुई है। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि टाइम लगने से कुछ भी नहीं होता, अगर आपने सही शेड किया है तो जो आपका रिज़ल्ट आने वाला है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है। आपको ये सारी बातें तभी समझ आएंगी जब आप वो बेडशीट देखेंगे, तो ज़रूर देखिए और मुझे कमेंट में बताइएगा आपको कैसे लगा। इस फ्लावर को पेंट करते वक्त एक बात ध्यान रखना है, आपको ध्यान से सुनिएगा, नीचे आपको बस पिंक और मरून कलर का शेड यूज़ करना है, वाइट यूज़ नहीं करेंगे हम। उसका अपना एक रीज़न है, क्या है, जो मैंने इसको अरेंज किया ये बी के नीचे वाले पोर्शन में अरेंज किया है, और अभी जब मैं आपको कंप्लीट लुक दिखाऊंगी तो आपको समझ आएगा ये किस तरीके से किस एंगल में है। तो हम वहाँ पे लाइट शेड नीचे की तरफ यूज़ नहीं करेंगे, और जो फ्लावर का ऊपर वाला साइड है, ऊपर वाली पिटल से जहाँ जहाँ मैंने वाइट यूज़ किया है, उसमें अभी हम थोड़ा और फिनिशिंग के लिए बाउंड्रीज पे आउटलाइन कर देंगे वाइट से, लेकिन नीचे नहीं करेंगे। फिर जब मैं आपको कंप्लीट लुक दिखाऊंगी तो आपको उसका लुक बहुत ही डिफाइंड दिखेगा। अगर आपने इधर जो नीचे के साइड फ्लावर का जो डाउन साइड है वहाँ पे ऐसा लाइट लाइट कर दिया तो फिर वो आपकी पिटल उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए पेंटिंग करते वक्त शेडिंग में आप यूज़ नहीं करेंगे, हल्का सा आप आउटलाइन करके उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। फिर हम इसमें डाल रहे हैं ग्रीन कलर का डॉट डॉट, जो मैं अक्सर डालती हूँ पराग के जैसे, इससे फ्लावर और भी प्यारा लगने लगता है। अब ये देखिए हमारा फाइनल लुक, तो हमारी बी की पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। फाइनल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ, एक बार मैं आपको टर्न करके भी दिखा देती हूँ, इस तरीके से ज़्यादा अच्छा दिख रहा था। ज़्यादा अच्छा क्या, ये पूरा दिख नहीं पाता है आपको कैमरे में, मैं बड़ा ड्रॉ करती हूँ उसमें छोटा सा दिखता है। मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको साफ साफ से दिखे। तो देखिए इस तरीके से हम बी को पेंट कर सकते हैं, इसको आप कहीं पे भी बना सकते हैं, आप इसकी वॉल हैंगिंग भी बना सकते हैं अपने बेडशीट या कहीं पे भी बनाइए, कंपटीशन में यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं अगर आपका भी नाम किसी भी लेटर से है और आप चाहते हैं कि मैं आपके नाम का लेटर पेंट करके बताऊँ तो कॉमेंट में लिखिए, मैं ज़रूर बताऊँगी। और इसमें अगर डिफरेंट डिफरेंट लोगों की रिक्वेस्ट आ गई तो मैं सबका नाम का इनिशियल बताऊंगी, बस आपको अपने टर्न का वेट करना है 1 बाय 1। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, ये सारी वीडियोस भी देखिए और इन्जॉय। मैं आपको पेंट करके बताऊंगी कि आप लेटर सी को कैसे पेंट कर सकते हैं डिज़ाइन के साथ। इससे पहले की वीडियोज़ में मैं आपको ए और बी पेंट करके बता चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो आप देख सकते हैं। और ये सारी वीडियो आपको एक जगह लेटर पेंटिंग के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ताकि आपको बिल्कुल भी परेशानी ना हो ढूंढने में। सबसे पहले मैं सी को आउटलाइन करके शेड कर रही हूँ, ताकि आपको बहुत ही क्लियरली दिखे शेप उसका, और फिर हम डिज़ाइन पेंट करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जिनको पेंटिंग में इंटरेस्ट है उनके साथ वीडियो शेयर करें। आपको ये बात ध्यान रखना है, शेड करते हुए ब्रश में बहुत ज़्यादा कलर नहीं होना चाहिए, और इस तरीके से आप शेड करेंगे कि हल्का जब कलर होगा तो वो रगड़ के अच्छा सा शेड आएगा। अभी मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ तो आपको समझ आएगा, बहुत ज़्यादा कलर होगा तो वो ऐसा शेड के जैसा आपका नहीं आ पाएगा। आपको इस तरीके से शेड करना है कि लगे कि पेंसिल से शेड किया हुआ है, ठीक है। देखिए मैं ब्रश से कर रही हूँ, लेकिन शेडिंग आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि किस तरीके से करनी है। अब सी को मैंने आउटलाइन कर दिया, आपको बहुत ही अच्छे से दिख रही होगी। अब हम
फ्लोरल डिज़ाइन जो अपनी इसके साथ अरेंज करके मैंने बनाई है उसको पेंट करना शुरू करेंगे। कलर मैंने शो कर दिया है, आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है कलर्स में तो मैं बताती हूँ, लेकिन आप लोग लगता है ध्यान से नहीं सुनते, तो मैं अब स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, ध्यान से देख लीजिए कि कौन सा कलर मैंने यूज़ किया है, कौन सा ब्रश है, क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में मिल जाएगी अगर आप वीडियो बहुत ही आराम से और ध्यान से कंप्लीट वॉच करेंगे। मैंने पेंट करना शुरू किया है रोज़ को, रोज़ में मैंने स्काई ब्लू और ब्लू कलर का शेड यूज़ किया है जो कि बहुत ही प्यारा लगने वाला है। अभी तो हमारी 2 पेटल्स हुई हैं, जैसे जैसे पेटल्स पेंट होती जाएंगी आपको दिखेगा कि रोज़ कितना ही खूबसूरत लग रहा है। जनरली मैं पहले लीफ को करती हूँ पेंट, लेकिन मैंने इसमें आपको पहले फ्लावर को दिखा दिया है। स्काई ब्लू कलर आपको मार्केट में आराम से मिल जाता है, हमारे यहाँ जो शॉप्स हैं वहाँ तो अवेलेबल है, आई होप कि आपको भी मिल जाए। नहीं मिलेगा तो फिर मैंने कलर मिक्सिंग की वीडियो में आपको बताया है कि आप कैसे कलर डार्क या लाइट कर सकते हैं। पेटल हम जहाँ से पेंट करना शुरू करते हैं फिर वहाँ से हम या तो क्लॉकवाइज जाएंगे या एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, लेकिन वन बाय वन करेंगे ताकि हमारा अरेंजमेंट अच्छे से आए और जो शेड का पैटर्न है वो एक जैसा दिखे। और दूसरी बात अब ये है कि हम रोज़ को शेड कैसे कर रहे हैं, आपको आई होप कि शेड समझ आ रहा होगा, अब मैं एक्सप्लेन भी कर रही हूँ तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये देखिए मैं अंदर की तरफ मैंने डार्क शेड का यूज़ किया है, देखिए मैं डार्क लगा रही हूँ और बाहर की साइड पे लाइट। अब ऊपर की जितनी भी पेटल्स है आप देखिए ऊपर स्काई ब्लू लगा हुआ है जो कि लाइट है, और फिर अंदर की साइड पे हम लगाएंगे ब्लू और इसी तरीके से पेंट करते जाएंगे। ये सारे लेटर्स को आप वॉल हैंगिंग पे भी पेंट कर सकते हैं, अगर आप कुछ भी बनाना चाहते हैं ऐसा आप इसको प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, या आपके पास कोई भी फैब्रिक स्टफ़ हो पेंटेड, या आप बेडशीट बना रहे हैं तो अपने नाम का इनिशियल डाल सकते हैं जिस लेटर से आपका नाम स्टार्ट होता है, अगर आप चाहें तो वो लेटर्स की भी पेंटिंग कर सकते हैं। जैसे कि हमारे चैनल का नाम ले लिया आर्टिस्ट है फैब्रिक वर्क्स, तो मैं एल बनाना चाहूँ उस तरीके से, तो मैं सारे अल्फ़ाबेट्स आपको बता रही हूँ, मैंने ए और बी आपको ऑलरेडी बता दिया, आज मैं आपको बता रही हूँ सी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपके नाम का जो लेटर है स्टार्टिंग वाला वो पेंट करके दिखाऊं तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं पेंट करके दिखाऊंगी। और अगर आपने कमेंट कर दिया है तो अपनी बारी का इंतज़ार करें पेशेंसली, क्योंकि मैं वन बाय वन आप लोगों की रिक्वेस्ट पे बना दूंगी। अब आप लोग देख रहे हैं ये जो हमारा रोज़ है इसके पेटल्स किस तरीके से मैंने ड्रॉ की है कि ये तीनों एक के ऊपर एक लग रही है, लेकिन पेंट करते वक्त देखिए ये बहुत ही अलग अलग सा आपको देखने में भी लग रहा है कि वो एक के ऊपर एक है, ऐसा नहीं पेंट कर देना है कि सारा एकदम फ्लैट हो जाए, तो इन सब बातों का भी आपको बहुत ही ख़ास ख्याल रखना है। अगर आप ये डिज़ाइन पेंट करते हैं या मेरे चैनल से कोई भी डिज़ाइन आप सीख के पेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए फ्री में बिगनर सीरीज़ अवेलेबल है, जहाँ से अगर आप पेंटिंग में न्यू हैं आपको पेंटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता तो वो प्लेलिस्ट देख के आप बहुत ही आराम से शेड सीख सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ भी पेंट करते हैं तो मेरे साथ इंस्टाग्राम या फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं, वहाँ से शेयर किया हुआ वर्क में आपको आपकी जो मेजर मिस्टेक होती है वो बता देती हूँ कि अगर ज़्यादा कोई ऐसी गलती होती है जिससे आपकी आगे चल के पेंटिंग ख़राब हो सकती है, और मैं आपका वर्क एज ए सब्सक्राइबर वर्क स्टोरी हाईलाइट और यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर करती हूँ। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपने पहले ही देखा होगा बहुत सारे लोग आप ही के जैसे वीडियो देख के और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग पेंट करके उन्होंने भेजा है और मैंने शेयर भी आप लोगों के साथ किया है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका वर्क मैं शेयर करूं अपनी कम्युनिटी पे स्टोरी पे हाइलाइट्स पे तो ज़रूर शेयर करें मेरे साथ, इंस्टाग्राम का नाम है लेली आर्टिस्ट 9। हमारा रोज़ देखिए ऑलमोस्ट कम्प्लीटली पेंट हो चुका है, बस मैं इसको यहाँ से फिनिशिंग करूँगी तो हमारे दोनों रोज़ पेंट हो चुके हैं। अब मैं आपको लीव की पेंटिंग बताऊँगी, इसमें मैंने थोड़ा डिफरेंट टच रखा है लीव, इसलिए मैंने बाद में किया है ताकि आप उसको कनेक्ट कर पाएँ। मैंने आपको पहले फ्लावर दिखा दिया फ्लावर किस कलर का है, अब मैं जब आपको लीव बताऊंगी तो उसमें एक ट्विस्ट है, आपको समझ आएगा फिर वो बहुत ही अच्छे से। फ्लावर के बीच में हम छोटी सी डार्क पेटल बनाएंगे और फिर जहाँ जहाँ भी हमें ज़रूरत होगी डार्क या लाइट की वहाँ हम फाइनल टचअप्स देंगे,
उससे हमारा फ्लावर जो है वो बिल्कुल ही क्लियर दिखने लगता है और शेड बहुत ही प्यारे हो जाते हैं। तो फाइनल टचअप्स के बाद मैं आपको लीव करना बताऊंगी। अच्छा, डिज़ाइन में वो छोटी कली भी है तो मैं आपको वो भी शो कर देती हूँ पेंट करके, उसके बाद हम लीव पेंट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ऊपर के साइड पे पूरा मैं अच्छे से फिल कर रही हूँ लाइट स्काई ब्लू कलर, और उसके बाद हम डार्क वाला शेड अपना लेंगे और नीचे की तरफ से शेड कर देंगे। इसी तरीके से हम जितनी भी डिज़ाइन में कली बनाएंगे उसको पेंट कर लेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया हो। अब इस डिज़ाइन में जो लीव है मैं आपको दो तीन तरीके से करके बताऊंगी, और आपको सारा कंबाइन करके जब आप करेंगे तो आपका बहुत ही प्यारा लगने वाला है ये लेटर सी के साथ डिज़ाइन। तो सबसे पहले मैं आपको नॉर्मली जैसे पेंट करते हैं वो बता रही हूँ। अभी आपको एक लीव दिख रही होगी जो कि आपको डिफरेंट लग रही होगी, उसका मैं आपको आगे स्टेप्स बताऊँगी। सबसे पहले हम एक साइड वाइट लगा रहे हैं, फिर नीचे के साइड ग्रीन, उसको आपस में अच्छे से मिक्स आउट करेंगे। अच्छे से ब्लेंड करने की वजह से शेड बहुत ही अच्छा दिखता है। ये लीव जिस तरीके से मैं आपको हमेशा बताती हूँ पेंट करना, उस तरीके से कर लेंगे। नीचे की तरफ भी मैंने थोड़ा लाइट शेड रखा है, उसकी एक वजह है क्योंकि हमने उधर ब्लूइश शेड पे जो लीव रखी है तो हमें इसको ऐसे रखना पड़ेगा, तभी वो बहुत ही अच्छा दिखेगा। और एक लीव जो आपको हाफ दिख रही होगी सी के टच में है, वो मैंने डार्क सी बनाई हुई है, वो ऐसा दिख रहा है कि वो डिज़ाइन के अंदर है, तो वो आपको भी ऐसे बनाना है। हम रोज़ का ग्रीन पार्ट बना लेंगे, उसके बाद हम लीव को पेंट करें। लीव में मैं यूज़ कर रही हूँ ग्रीन और ग्रीन के साथ ब्लू कलर, अच्छे से मिक्स करेंगे तो शेड बहुत ही अच्छा आने वाला है। डिज़ाइन से एक दूसरे को ये कॉम्प्लीमेंट करेगा। अब जो लेटर्स होते हैं लेटर्स पेंटिंग में, कुछ तो ये मॉडर्न आर्ट की तरह है, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं, तो आप इस तरीके की मेथड यूज़ कर सकते हैं। फिर नीचे मैंने वाइट रखा है, वाइट शेड, और आपस में अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। अब इस तरफ की जो हमने लीव बनाई है वो डार्क बनाई है, ब्लूइश बनाई है, और जो हमारी लीव्स अभी बची हैं मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगी, उसमें मैं ऐसा शेड नहीं रखूंगी, ताकि जो हमारी जो ओवरऑल लुक है, जब मैं आपको ओवरऑल लुक दिखाऊंगी वो बहुत ही प्यारा लगने वाला है। क्यों? क्योंकि हमने कलर कॉम्बिनेशन इसमें बहुत ही ज़बरदस्त रखा है। अब देखिए, इस लीव में मैं ऊपर लगा रही हूँ वाइट कलर, अब इसमें मैं सैप ग्रीन नहीं लगा रही हूँ, लीव ग्रीन लगा रही हूँ, जो कि जनरली थोड़े लाइट होते हैं, और इसको अच्छे से हम ब्लेंड करेंगे। अभी जो हमने नीचे का पार्ट छोड़ा हुआ था उसमें हम लगाएंगे ब्लू और फिर अच्छे से मिक्स आउट करेंगे। देखिए, तो हमारा जो पीकॉक होता है वो इसी तरीके का उसका होता है, ब्लूइश ग्रीनिश सब मिक्स, तो वो बहुत ही ज़्यादा प्यार लगता है। वैसे ही हम अपनी लीव को भी पेंट करेंगे तो हमें आ रहा बहुत ही अच्छा लगने वाला है। अगर आपको डिज़ाइन पसंद आ रही है, वीडियो मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। शेयर करना बहुत ही अच्छा तरीका है मुझे सपोर्ट करने का। अगर आप भी फैब्रिक पेंटिंग में इंटरेस्टेड हैं और आपने ये वीडियो पहली बार देखी है, तो आप चैनल को ज़रूर विज़िट करें। वहाँ पर आपको बेडशीट, पिलो कवर, मेज़पोश, सूट, दुपट्टा, डिफरेंट टाइप के स्टफ्स जो हैं वो पेंट किए हुए दिख जाएंगे, और आपको बहुत ही डिफरेंट डिज़ाइन यूनिक कलर कॉम्बिनेशन के साथ दिख जाएगी, जो कि बिल्कुल ओरिजिनल है। और आपको इस चैनल पे डिफरेंट टाइप की फ्लावर पेंटिंग देखने को मिल जाएगी, जैसे रोज़, लोटस, सनफ्लावर, पियोनी, पैंसी, पॉपी, डैफोडिल, हिबिस्कस, और इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरी में मिल जाएगा। जैसे आपको रोज़ बहुत ही ईजी से लेके एडवांस तक मिल जाएगा डिफरेंट टाइप के हिबिस्कस, सनफ्लावर्स। तो आपको क्या करना है, चैनल को विज़िट करना है, या आप प्लेलिस्ट सेक्शन में विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगराइज कर दिया है, तो आपको ढूंढने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। कलर कॉम्बिनेशन सबका बहुत ही डिफरेंट है और आपको बहुत ही पसंद आने वाला है, तो आप ज़रूर देखें। और इसी तरीके से अब हमारी जो ज़्यादातर डिज़ाइन है वो पेंट हो चुकी हैं, कुछ लीव्स बची हैं उसको हम नॉर्मल पेंट करेंगे ग्रीन और वाइट से, लाइट वाला ग्रीन या लीव ग्रीन आप यूज़ कर सकते हैं।
और उसको जब हम पेंट कर लेंगे, डिज़ाइन को कनेक्ट करेंगे, फिर फिनिशिंग करने के लिए अभी उसमें हमें नस डालना है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कंप्लीट लुक, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी ये डिज़ाइन। मुझे बहुत अच्छी लग रही है, आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और जिसका भी नाम सी से है वो कमेंट करके बता सकता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में किसी का नाम सी से है, या आपने ए या बी वाली वीडियो देखी है, तो वो उनके साथ ज़रूर शेयर करें, उनको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये हमारी डिज़ाइन पेंट हो चुकी है, ये छोटी लीव्स को भी हम पेंट कर लेंगे सेम प्रोसेस से। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी नस हल्का हल्का, आप डालेंगे 0 नंबर से, देखिए। और फिर मैं बाद में, मैंने उसमें एक सर्कल ऐड कर दिया है सी के पास, देखिए मैं वहाँ आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो होना चाहिए, तो मैंने इसको बाद में ऐड किया है। और ये है हमारा फाइनल लुक, आई होप कि आपको बहुत पसंद आया होगा। ए और बी की वीडियो यहाँ है, ज़रूर देखें। पेंट करके दिखाने वाली हूँ लेटर डी, जो कि हमारी सीरीज़ का 4th वीडियो है। मैं आपको अभी तक ए बी सी दिखा चुकी हूँ पेंट करके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं इसमें बिल्कुल ही डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन लगा रही हूँ। मैं अब इसको पेंट करने वाली हूँ एक बहुत ही प्यारे से कलर कॉम्बिनेशन से। तो सबसे पहले हम डी को आउटलाइन कर लेंगे, ताकि आपको बहुत ही अच्छे से क्लियरली दिखे, और वो मैं कर रही हूँ पर्पल कलर से। ब्रश नंबर आप 1 लेंगे, उससे आप कर सकते हैं। आपकी ये जो आउटलाइन है डी की, वो बहुत ही अच्छी और क्लियर आनी चाहिए, तभी आपका ओवरऑल लुक अच्छा लगेगा। क्योंकि ये अगर आपकी क्लियर नहीं होगी, तो हो सकता है कि आपकी डिज़ाइन उतनी अच्छी नहीं लगे। तो बहुत ही आराम से और क्लियरली हम उसको पहले आउटलाइन करेंगे। आउटलाइन करने के बाद हम फ्लावर को पेंट करना स्टार्ट करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन सा कलर लगाने वाली हूँ, तो इस तरीके से सबसे पहले हम ऊपर की साइड से नीचे की साइड पे वाइट लगा लेंगे, और फिर हम शेड करेंगे पिंक कलर से। अब पर्पल और पिंक एक दूसरे का कॉम्बिनेशन है, बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है, तो हम इस तरीके से इसको शेड करेंगे। ये शॉकिंग पिंक है और ये आपको मार्केट में मिल जाता है। अब मैं 2 पेटल और हैं, उसको भी इसी तरीके से शेड करूँगी, लेकिन मैं आपको शेडिंग का एक और मेथड अभी बता दूँगी। आपको जिस तरीके से आसानी हो, उस तरीके से आप पेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, ताकि हमारा जो कहीं पे भी ऐसा पैचेस नहीं दिखनी चाहिए, बहुत ही स्मूथ ब्लेंडिंग होनी चाहिए, तभी आपकी डिज़ाइन बहुत ही प्यारी लगेगी। जहाँ पर शेड लाइट होगा, वहाँ पर हम थोड़ा सा और कलर लगा के और वापस से शेड कर लेंगे। अब हमने इसमें वाइट पहले से लगा दिया था, तो ये लाइट हो जा रहा है, तो हमें वापस से कलर लगाने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपने पहले नहीं लगाया, जैसे कि अभी 2 पेटल्स बची हैं, मैं आपको बताऊंगी करके, तो उसमें आपको समझ आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। या तो आप इस तरीके से शेड करिए, या तो फिर आप डायरेक्टली पहले पिंक कलर लीजिए ब्रश में, और उसको हम बाहर की साइड से अपने पिटल में इस तरीके से फिल कर लेंगे। दोनों को आप एक साथ फिल कर लें, या 1 बाय 1 करिए। फिर हम अंदर की तरफ से वाइट कलर लेंगे और उसको ऊपर की साइड पे शेड कर देंगे। तो आपको जो मेथड इजी लगे, आप वो मेथड यूज़ कर सकते हैं। सेकंड वाली भी मैं इसी तरीके से करके आपको दिखा रही हूँ। तो 3 मैंने आपको वाइट लगा के करके दिखा दी, और 2 मैंने आपको पिंक से दिखा दी। तो आपको जो अच्छा लगे, आप उस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, शेडिंग दोनों एक ही है, लेकिन आपको डार्क और लाइट में थोड़ा सा डिफरेंस दिख जाएगा। उसमें आपको बैलेंस जिसमें आप अच्छे से कर पा रहे हैं, वो करिए। अब हमारा वो जो मैंने बनाया था, वो एक साइड पे जो छोटी सी डिज़ाइन थी, मैंने अभी शुरू में आपको डिज़ाइन शो किया है। अब मैं ये जो हमने साइड पे बड़ा वाला अपना फ्लावर ड्रॉ किया था, उसको पेंट करना शुरू करेंगे। और ये दोनों की शेडिंग बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि ये फ्लावर बहुत ही ईजी भी होता है, और अगर आप इसको अच्छे से शेड करेंगे, तो ये आपके डिज़ाइन को बहुत ही खूबसूरत बनाता है। अगर आप बिगनर्स हैं और कोई भी चीज़ पेंट कर रहे हो, तो ये फ्लावर का यूज़ बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और क्लास 1 में मैंने आपको ये फ्लावर पेंट करके भी दिखाया है। इस फ्लावर की शेडिंग मैं आपको समझा रही हूँ, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे अगर आपने एक बार समझ लिया। सबसे पहले आपको क्या करना है, वाइट कलर लेंगे और उसको अच्छे से फिल कर लेंगे पिटल में। देखिए, इस तरीके से आपने जब फिल कर लिया अच्छे से, उसके बाद हम अपना ब्रश एक बार जो हमारे पास कपड़ा होगा उस पर साफ़ कर लेंगे। अभी यहाँ पे मुझे थोड़ा कम वाइट लग रहा था, तो मैंने शेड कर दिया। और फिर हम लेंगे अपने ब्रश में पिंक कलर,
उसको ऊपर के साइड से लगाएंगे। अब जो हमने पहले वाइट लगा दिया है और वो अभी लगाए हैं तो ड्राई तो है नहीं, तो हम थोड़े आराम से पिंक कलर लगाएंगे और वो बहुत ही आराम से आपका ब्रश चलेगा क्योंकि स्मूथ सरफेस आपको मिल रहा है। फिर थोड़ा सा और लगाएंगे क्योंकि वाइट की वजह से तो वो लाइट हो गया और ऊपर से शेड कर देंगे। इस तरीके से देखिए आपका फ्लावर बहुत ही अच्छा लगेगा। पिटल में आपकी लाइट शेडिंग भी है और एक ऊपर की तरफ से जहाँ से हम कलर लगा रहे हैं वहाँ डार्क सा आ जा रहा है, तो आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको दिखेगा। तो जब पूरा फ्लावर पेंट हो जाएगा तो वो ऐसा लगेगा कि वो आउटलाइन है, जो कि आपको करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस तरीके से शेड करेंगे तो वो आपका ऑटोमेटिकली बन जाएगा। नेक्स्ट पिटल भी मैं वैसे ही कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने वाइट लगाया था, फिर मैंने पिंक लगाया और शेड कर रही हूँ। शेड को अच्छे से करेंगे, थोड़ा सा ब्रश पे प्रेशर रखेंगे और नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। जहाँ पे हमें लगेगा कि कलर कम है, कलर को हम वापस से लगाएंगे, फिर उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्सिंग बहुत ही स्मूथ होनी चाहिए, पैचेस नहीं बनने चाहिए, कहीं पे भी ब्रश का स्ट्रोक नहीं दिखना चाहिए। फोर्थ पिटल को भी हम उसी तरीके से शेड करेंगे जैसे हमने बाकी तीन पिटल्स को किए हैं पेंट। सेम शेड हमें चाहिए तभी हमारा फ्लावर बहुत ही अच्छा लगने वाला है। मैं आपको एक दो बार एक्सप्लेन इसलिए कर देती हूँ ताकि आपको समझ अच्छे से आ जाए। बहुत ही सिंपल फ्लावर है और आप इसको आराम से ड्रॉ भी कर सकते हैं। मेरे चैनल पे इस फ्लावर की डिफरेंट शेडिंग अवेलेबल है, मैंने इसको बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भी पेंट करके दिखाया है, तो आप चैनल को विज़िट करके देख सकते हैं। क्लास वन में मैंने अलग शेड बताया है और भी मैंने दो तीन डिज़ाइन बताई है जिसमें ऐसा फ्लावर मैंने ऐड किया है जिसको बहुत ही डिफरेंटली शेड किया है। शेड करने से फ्लावर का लुक बिल्कुल भी चेंज हो जाता है, तो आप शेडिंग देख के सीख सकते हैं और सीख के पेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और शेड समझ आ रहे हैं, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जिनको पेंटिंग पसंद है उनके साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी ऐसी प्यारी प्यारी पेंटिंग सीख सकें। अभी हमारी लास्ट पिटल है, इसको हम पेंट करने के बाद नेक्स्ट फ्लावर को पेंट करेंगे जिसको मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से शेड करूँगी और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि उस तरीके से जब भी शेड किया जाता है तो फ्लावर बहुत ही प्यारा लगता है। इस फ्लावर को मैं नीचे की तरफ से पिंक कलर का शेड डाल रही हूँ और ऊपर से लाइट। इसी तरीके से मैंने एक बार और आपको फ्लावर पेंट करके बहुत पहले दिखाया था मल्टी कलर वाला, वो शेड मैंने पहली बार डाला था और वो आपको बहुत ही पसंद आया था, आप लोगों ने उसको बहुत पसंद किया था। उसी तरीके से आज मैं ये वाला फ्लावर भी पेंट कर रही हूँ। शेड्स मैंने बहुत ही स्लो आपको दिखाए हैं, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको सारे स्टेप्स बहुत ही आराम से समझ आ जाएंगे। बस आप वीडियो स्किप ना करें, स्टेप वाइज देखें तब आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। आपने मेरे सब्सक्राइबर वर्क्स देखे होंगे, उनको मैं कोई पर्सनल क्लासेस नहीं, वो कोई भी पर्सनल क्लासेस उन्होंने ज्वाइन नहीं की, वो वीडियोज़ देखते हैं और वीडियो देख के स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करते हैं और फिर बना के सेंड करते हैं। मैंने बहुत सारे अभी तक सब्सक्राइबर वर्क शेयर किए हैं आपके साथ और बहुत सारे नहीं भी किए अभी, मेरे पास बहुत सारा वर्क है, मैं उसको स्टेप बाय स्टेप सारे शेयर कर दूंगी। आप देखिएगा उन्होंने कितना अच्छा पेंट किया और वो लोग भी बस वीडियो देख के ही पेंट करते हैं, तो आप भी बहुत ही आराम से कर सकते हैं वीडियो देख के। अगर आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप पेंट करेंगे, शेड को समझेंगे, आप भी बहुत ही आसानी से पेंटिंग सीख सकते हैं। पेंटिंग सीखने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट है, जो चीज़ जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, आप लोग पूछते हैं ना कि कौन सी चीज़ ख़रीदना है, किस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो प्रैक्टिस है। अगर आप चाहते हैं कि आप पेंटिंग बहुत ही अच्छी सीखें तो आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से आपके हाथ में जो फ्लो आता है, सफाई आती है, शेड्स आते हैं, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
तो ज़रूर प्रैक्टिस करें, मेरे साथ शेयर भी कर सकते हैं आप। इंस्टाग्राम पे लीली आर्टिस्ट 9 के नाम से मेरा पेज है, या आप फेसबुक अगर यूज़र हैं तो फेसबुक पे भी लीली आर्टिस्ट फैब्रिक वर्क्स के नाम से आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आप शेयर करें, मैं आपका वर्क ज़रूर देखूँगी। अगर आपने इंस्टाग्राम पे वर्क सेंड किया और अभी तक मैंने नहीं देखा, 3 दिन हो चुके हैं, तो आप किसी भी पोस्ट के रील्स के नीचे आप कमेंट करिए कि मैम मेरा वर्क देख लीजिए, तो मैं देख लूँगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेज होने की वजह से कभी कभी आपका जो मैसेज होता है बहुत ही नीचे चला जाता है या उसमें खो जाता है, तो मुझे मिलता ही नहीं। जब वो गुम हो गया, मुझे मिल ही नहीं रहा, तो मैं कैसे देख नहीं पाती हूँ, और आपको इंतज़ार रहता है कि मैं देखूँगी, रिस्पॉन्स करूँगी। तो कभी कभी क्या होता है कि आपका मैसेज जो है वो बहुत ज़्यादा मैसेज की वजह से गुम हो जाता है। तो अगर आप कमेंट कर देंगे तो वहाँ से नोटिफिकेशन में शो हो जाता है, तो मैं इजीली आपका वर्क चेक कर सकती हूँ। तो आप देखिए, जो हमारी 3 पिटल शेड हो चुकी है, कितनी प्यारी लग रही है, इसका शेड कितना खिल के आया है। ये शेड मुझे बहुत ही पसंद है, क्योंकि आप इसको जब भी कहीं भी पेंट करेंगे ये बहुत ही प्यारा खिल के आता है। बस आपको एक ध्यान रखना है, ब्लेंडिंग अच्छे से होनी चाहिए, पैचेस नहीं बनने चाहिए। फिर हम जो अपनी 2 पिटल्स बची हैं उस पे अपोजिट शेड यूज़ करेंगे, नीचे के साइड पिंक लगाएंगे और अंदर के साइड से वाइट, और आपस में करेंगे ब्लेंड, तभी ये हमारा बहुत ही प्यारा सा फ्लावर पेंट होके रेडी हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए मैं कैसे कर रही हूँ इसको पेंट। फ्लावर हमारा सारा पेंट हो चुका है, अब मैं करूँगी लीफ को पेंट। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लीफ ग्रीन और वाइट कलर। शेड बहुत ही मैंने सिंपल रखा है, नीचे लगाएंगे हम ग्रीन कलर जो कि हमारा डार्क शेड, और ऊपर हम लगाएंगे वाइट। आपस में इसको मिक्स करेंगे शेड करते हुए, बस डन हो गई हमारी लीफ।
स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे अब आप देखेंगे मैं लीव को पेंट करते जाऊंगी, ये फ्लावर की खूबसूरती और ही बढ़ती जाएगी। जब ग्रीन और पिंक रेड जो भी फ्लावर का कलर होता है जब वो कंट्रास्ट में आता है तो वो बहुत ही प्यारा लगता है। जब आपको ओवरऑल लुक दिखाऊंगी तब आपको समझ आएगा कि ये कितना ही प्यारा लग रहा है। डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन भी है, पहले मैंने आपको ए बी सी जो है उसमें आउटलाइन डिफरेंट कलर से की थी, अगर आपने देखा है वीडियो तो आपको पता है, तो इसमें मैंने पर्पल कर दी है। तो आपको, आप अगर ये सीरीज़ देख रहे हैं ये सारी वीडियोज़ मैं एक प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी लेटेस्ट पेंटिंग में, ताकि आप बहुत ही टाइम के बाद भी अगर आप देख रहे हैं तो आपको सारी वीडियोज़ एक जगह मिल जाएंगी। और इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन भी मिल जाएगा, डिफरेंट डिज़ाइन मिल जाएगी, तो आपको सीरीज़ बहुत ही आराम से देखनी है। और जिसका भी नाम डी से स्टार्ट होता है आप उसके साथ ज़रूर शेयर करें, उनको देख के बहुत ही अच्छा लगेगा। ये सारी जो मैं आपको बता रही हूँ अल्फ़ाबेट की पेंटिंग, वो आप बहुत यूज़ कर सकते हैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे। जैसे कि सबसे पहले तो जो हमारा कॉलेजेस में आजकल कंपटीशन हो रहे हैं तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, वॉल हैंगिंग बना सकते हैं अपने लेटर की। जैसे हमारे चैनल का नाम लिली आर्टिस्ट है तो मैं एल बना लूँ, वैसे आपका जो नाम है आप उसकी जो फर्स्ट लेटर है उसका पेंटिंग बना के अपने रूम में लगा सकते हैं। या फिर अगर आपने बेडशीट बनाई है और आप चाहते हैं तो आप वहाँ पर भी अपने नाम का स्टार्टिंग वाला इनिशियल लेटर जो है वहाँ पे पेंट कर सकते हैं। तो आपका नाम का जो लेटर है आप ज़रूर कमेंट में बताएं, मैं आपका लेटर ज़रूर पेंट करूँगी। और अपनी बारी का इंतज़ार करें, आपने अगर कमेंट कर दिया है तो मैं सबका कमेंट पढ़ती हूँ और मैं ज़रूर पेंट करके आपको दिखाऊँगी। अगर आपने ए बी सी नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट सेक्शन में देख सकते हैं लेटर पेंटिंग में। और इसको मैं आपको बता रही थी कि आप अपने बेडशीट वगैरह पर बना सकते हैं। और फिर आप ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ इससे आपको ये भी तरीका आएगा कि आप कैसे ये अल्फ़ाबेट को डिज़ाइन के साथ अरेंज कर सकते हैं, फिर आप डिफरेंट चीज़ें लिख सकते हैं। अब हमारी ज़्यादातर जो डिज़ाइन है पेंट हो चुकी है, ये हमारी थोड़ी लास्ट की जो हाफ फ्लावर मैंने बनाया है उसको पेंट कर लेंगे। शेड बहुत सिंपल है, नीचे की साइड पे हम लगाएंगे डार्क पिंक कलर, ऊपर की साइड पे लगाए हैं वाइट और अच्छे से हम इसको करेंगे मिक्स। बहुत ही सिंपल शेडिंग है। सेम शेड को फिर से रिपीट करेंगे सेकेंड पिटल में और फिर थर्ड पिटल में, और हमारा जो फ्लावर है पेंट होके बिल्कुल रेडी हो जाएगा। आपको एक चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना है, स्पेशली जब हम सिंपल डिज़ाइन पेंट करते हैं तो उसमें जो चीज़ें सफाई नीटनेस बहुत ही होनी, नीटनेस अगर आपके डिज़ाइन में है तो आपका बहुत ही अच्छा लगने वाला है पेंट होने के बाद। और अगर आप ज़्यादा ध्यान नहीं देते, केयरलेसनेस है आपकी पेंटिंग में और वो थोड़ी गंदी हो जाती है, तो इसको बहुत ही अवॉइड करें। और आप देखेंगे बस थोड़ी सी एक बात आप सफाई अपनी पेंटिंग में रखेंगे, क्लियरिटी रखेंगे और उसका पूरा ही लुक चेंज हो जाएगा। अब मैं बना रही हूँ पराग। सबसे पहले मैंने ग्रीन फिल कर दिया था, फिर मैं ये वाले राउंड वाले ब्रश से अपने येलो लेके उसको डैप डैप कर रही हूँ, तो हमारा इस तरीके से आ गया। हाफ पे ही बनाएंगे, फुल नहीं बनाएंगे। फिर हम लेंगे 0 नंबर का ब्रश, या आप 1 नंबर का भी यूज़ कर सकते हैं, बस हमें हेयर जो है वो थोड़ा कम चाहिए। और उस पर हम लगाएंगे ग्रीन कलर, और उसके बाद जो हमने पेंट किया है पूरा ग्रीन, तो हमारा एक सिंपल सा ऐसा फिल हो गया है, तो हम उसके ऊपर डॉट डालेंगे, इससे जो हमारा सरफेस है ना वो उठ के थोड़ा सा दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा सा कलर लग गया तो उसका टेक्सचर आ जाता है, तो उससे बहुत ही अच्छा लगेगा। फिर हम अपने ब्रश में लेंगे येलो कलर, और ये वाले फ्लावर में मैं डालूँगी पराग, जो कि आपको इस तरीके से डालना है। मैंने आपको इसको बहुत बार बनाया है, ये डालने से आपका फ्लावर बहुत ही खूबसूरत लगता है। जैसे कि मैंने रेड वाले फ्लावर में डाला था वाइट से और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर हम इसको फिनिशिंग करते हुए डालेंगे इसमें नस सारी लीव में, उससे डिज़ाइन बहुत ही डिफाइन हो जाती है, इसलिए मैं हमेशा डालती हूँ और आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप भी डालिए। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ फाइनल लुक। ये देखिए हमारी डी बन के तैयार है, आपको कैसी लगी ज़रूर बताएँ, ये वीडियोज़ भी देखें।